प्रमेय 9 कथन। वृत्त के एक ही खंड में बने कोण आपस में बराबर होते हैं। ज्ञात है वृत्त का केंद्र O, वृत्त का केंद्र O है। वृत्त के एक ही खंड में बने, वृत्त के एक ही खंड में बने कोण ए सी बी और कोण ए डी बी है, सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है कि कोण ए सी बी बराबर कोण ए डी बी, ये दोनों कोणों को आपस में बराबर सिद्ध करना है। अब हम देखते हैं उपपत्ति। उपपत्ति में हम प्रमेय से जानते हैं कि कोण ए ओ बी जो कि केंद्र पर बनने वाला कोण है बराबर दो गुना कोण ए सी बी है, क्योंकि हम जानते हैं चूंकि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त की परिधि के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। चूंकि वृत्त पर किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित वृत्त कोण की परिधि के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है, इस तरह से हमने कोण AOB बराबर दो गुना कोण AC भी लिखा। आगे देखते हैं, पुनः हम लिखेंगे कोण AOB बराबर दो गुना ACB के स्थान पर हम AD B लिख लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि केंद्र पर बनने वाला कोण वृत्त पर बनने वाले कोण का दुगुना होता है।
तो हम यहाँ पे कोण ए ओ बी बराबर दो गुना ए सी ए, कोण ए ओ बी बराबर दो गुना कोण ए डी बी लिखे इस तरह से। अतः हम हमारे पास पहले कोण ए बी बराबर है दो गुना कोण ए सी बी, और फिर पुनः हमारे पास है कोण ए ओ बी बराबर दो गुना कोण ए डी बी। इसमें हम यहाँ पे दोनों के दाएं पक्ष को एक साथ ले लेंगे क्योंकि बाएं पक्ष में कोण ए ओ बी है, तो ये हो जाएगा हमारा दो गुना कोण ए सी बी बराबर दो गुना कोण ए डी बी। दोनों पक्षों से दो को हम काट देंगे तो हमें प्राप्त होगा कोण ए सी बी बराबर कोण ए डी बी। इस तरह से हमने दोनों कोण ए सी बी और कोण ए डी बी को बराबर बताया। अतः हम कह सकते हैं अतः हम कह सकते हैं कि वृत्त के एक ही खंड पर वृत्त के एक ही खंड में बने कोण आपस में बराबर होते हैं। तो हमने जाना कि हम कह सकते हैं कि वृत्त के एक ही खंड में बने कोण आपस में बराबर होते हैं, यही इस प्रमेय में सिद्ध करना था। करके देखें। दी गई आकृति में x और y का मान ज्ञात कीजिए।